फिलहाल अभी रिसेंटली ओला के तरफ से एक या दो नहीं बल्कि पूरे तीन एक से बढ़कर एक अपडेट्स आए हैं जिनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। लेकिन इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि हम आपको बताएंगे इन तीनों अपडेट्स के बारे में डिटेल में एक एक करके। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं सभी अपडेट्स के बारे में पूरे डिटेल में। सबसे पहला अपडेट है हेलमेट डिटेक्शन सिस्टम। यस, जैसा कि आपको पता है कि ओला अपने एक से बढ़कर एक जबरदस्त फीचर्स के लिए जानी जाती है जो हर वक्त कुछ न कुछ नया फीचर्स लाकर लोगों को हैरान कर देती है जिससे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बट उसमें भी कुछ ऐसे भी फीचर्स होते हैं जिनका ज्यादातर कोई यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी ओला अपने स्कूटर्स में प्रोवाइड कर देती है। बट अभी रिसेंटली ओला ने जिस फीचर के बारे में लेकर अनाउंसमेंट किया है मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट फीचर होने वाला है सेफ्टी को लेकर, जिसका नाम हेलमेट डिटेक्शन सिस्टम रखा गया है। यानी इस फीचर के तहत आप ओला की स्कूटर को बिना हेलमेट के नहीं चला पाएंगे। यानी कंपनी स्कूटर के डिस्प्ले में एक कैमरा लगाएगी जो आपके फेस को ट्रैक करता रहेगा कि आपने हेलमेट पहन रखा है या फिर नहीं। अगर आप हेलमेट नहीं लगाए होंगे तो आपकी स्कूटर पार्क मोड में तो जाएगी बट राइड मोड में नहीं जाएगी, यानी आप अपनी स्कूटर को चला नहीं पाओगे। बट फिलहाल अभी इस फीचर पर टेस्टिंग चल रहा है, फ्यूचर में ये हमें आने वाले ओला के स्कूटर्स में देखने को मिल सकता है। एक तरह से देखा जाए तो सेफ्टी के मामले में ये बेस्ट फीचर है बट फिर भी बहुत लोगों के फीचर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मान के चलिए अगर आपको 2 या 3 किलोमीटर ही जाना हो तो उतने दूर के लिए कौन हेलमेट लगाएगा। वैसे अब देखना यह है कि कंपनी इस फीचर को किस तरीके से डिजाइन करके लॉन्च करती है। दूसरा अपडेट है ओला की न्यू फैक्ट्री। यस, ओला अपनी सेकेंड फैक्ट्री को तमिलनाडु में ओपन करने जा रही है जिसका काम शुरू हो चुका है और ओला ने इसका नाम गीगा फैक्ट्री रखा है जिसे 115 एकड़ में बनाया जा रहा है। ये फैक्ट्री स्पेशली लिथियम आयन सेल के R&D और प्रोडक्शन के लिए बनाई जा रही है ताकि ओला आने वाले समय में अपनी ईवी स्कूटर बाइक या फिर कार के लिए सेल को कहीं से इम्पोर्ट न करे बल्कि खुद ही डेवलप करके खुद ही अपने गाड़ियों में यूज कर सके, साथ ही उसका एक्सपोर्ट भी अलग अलग कंट्रीज में कर सके। अब आप बोलेंगे इससे हमारा क्या फायदा है, मैं आपको बता दूं कि इससे ओला को सेल को इम्पोर्ट करके यूज नहीं करना पड़ेगा बल्कि ओला अपने सेल का खुद यूज करेगी। इससे सेल की प्राइस कम हो जाएगी जिसकी वजह से ओवरऑल जो स्कूटर का प्राइस होगा वो भी कम हो जाएगा। तीसरा अपडेट है ओला S1 एयर को लेकर। ओला जुलाई में अपना एक इवेंट करने जा रही है जिसमें कंपनी ओला S1 से जुड़े सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी, चाहे वो डिलीवरी डेट को लेकर हो, न्यू प्राइस को लेकर हो या फिर स्कूटर से जुड़े किसी भी प्रकार के अपडेट्स को लेकर हो, यानी स्पेक्स या फीचर्स को लेकर हो। इसके अलावा कंपनी और भी बहुत सी चीजों को अपडेट करने वाली है इस अपकमिंग इवेंट में, सो वेट एंड वॉच। वैसे आपको कैसा लगा ये तीनों अपडेट कमेंट में जरूर बताएं।